अभी सर क्वेरी ये है कि यस बैंक पे मैंने 5,000 शेयर लिए सर, यस बैंक पे 14 रुपए का भाव पे लिया था मैंने यस बैंक पे, अभी हाल ही में लिया है। तो इस पे मैं इन्वेस्ट करते रह सकती हूँ सर 1 साल 2 साल तक, लेकिन यस बैंक पे रजदा की क्या है? देखिए आशीष, पहले यस बैंक का बात करता हूँ। यस बैंक, एक चीज मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यस बैंक में जब भी शॉर्ट टर्म में बहुत तगड़ा अप ट्रेंड होता है, उसके बाद में एक हाई बनाता है, जो हाई 2 अगस्त के दिन 17 रुपया 90 पैसा पे हाई बना। ये हाई बनाने के बाद में वहाँ से अगर कोई कारण से 10% करीब गिर जाता है, मतलब यहाँ पे 1 रुपया 80 पैसा, मतलब 16 रुपया 10 पैसा इस लेवल पे आ गया है ना, अभी 16 रुपया 20 पैसा 25 पैसा चल रहे हैं, इतना मान के चलिए कि येस बैंक आपको थोड़ा सा तंग करेगा। क्योंकि ये जब भी ऐसा शार्प मूव देके ऊपर चला, हम ये प्रोग्राम के पहले एक बार येस बैंक देख रहा था, तो उसमें मैंने एक पैटर्न को नोटिस किया है। ये जब भी ऊपर जाता है इस तरीका से, वो पूरा गेन सरेंडर कर देता है। और आपने जहाँ पे खरीदा है वो बहुत अच्छी जगह है, तो फिर भी आपको तो 10% से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार येस बैंक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये अभी वो 17 रुपया 90 पैसा का जो हाई बनाया, वो हाई को क्रॉस कर नहीं पाएगा और आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए आपको तो अभी भी प्रॉफिट है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने से आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप चाहे तो मनी कंट्रोल या कोई भी जगह पे जाके इसका चार्ट देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको देख पाएंगे अपने आप। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इस बैंक का इस टाइप का मूवमेंट को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।